बनाने लगे हैं छोले, लेकिन अलग तरह के। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बाय द वे, बन रहे हैं पंजाबी चिक्कड़ छोले। तो नाम इसका चिक्कड़ छोले, चिक्कड़ अगर आप पंजाबी हैं तो आपको पता होगा, यानी कि मड। तो ये थोड़े मड जैसे ही चिपचिपे, मड जैसे ही कलर के होते हैं, इसलिए ये नाम मिला है। बाय द वे, चिक्कड़ छोले पंजाबी और लाहौरी दोनों स्टाइल के होते हैं। हम बना रहे हैं पंजाबी वाले। तो इसमें थोड़े मसाले जाते हैं। ये जो आप मसाले देख रहे हो, यहाँ पे है ये मोटी वाली इलायची, देन थोड़ी सी लौंग, ये है दालचीनी का टुकड़ा, ये है अनारदाना। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इस छोले का नहीं, सभी छोले का ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है। देन थोड़ा जीरा एंड देन थोड़ा सा अजवाइन। तो ये थोड़े जो मैंने मसाले निकाले हैं ना, ये हमको भूनने हैं। इसमें और भी मसाले जाएंगे, बट ये वाले ड्राई रोस्ट करने होते हैं। तो मैं इसको पैन में डाल देती हूँ और इनको हल्का हल्का नहीं, थोड़ा अच्छा ही भूनना है हमें, यानी कि अच्छे से खुशबू आए तब तक भूनेंगे। तो पहले मैं ये भूनकर तैयार कर लेती हूँ। मीनवाइल मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये है 3 टमाटरों की प्योरी जैसी है, देन यहाँ पे 2 बड़े से प्याज भी मैंने थोड़े से बारीक काटे हुए हैं। इन्हें ग्रेट कर लेंगे तो अच्छा है, इनको पीसिएगा नहीं। ओके, तो बारीक चॉप कीजिए या तो फिर ग्रेट कर लीजिए। और इसके बाद ज़रूरी तौर पे जाता है इसके अंदर जिंजर। तो मैंने ये जिंजर को बिल्कुल बारीक, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है, जुलियन स्टाइल काट लिया है। और इसके बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोले। ये छोले उबले हुए हैं, नमक डालकर उबाला है मैंने, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला। इसका पानी जो है अलग कर लेंगे, सिर्फ छोले छोले का इस्तेमाल करेंगे, पानी आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैंने ये कुकर से निकाल के इकट्ठे ही रख दिए हैं, बट जब आई विल बी यूजिंग इट ना, तो सिर्फ छोले डालूंगी। अभी आप ध्यान दीजिए, एक तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, और ऑल्सो आप ध्यान देंगे हर मसाले का रंग बदल गया है, बस ये भुनने आए हैं। इसमें बिल्कुल एकदम ही लास्ट में ना डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी हल्की सी, फिर यहाँ पे टोस्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं भुनना है इसको, थोड़ी सी हीट से ही कसूरी मेथी तो हो जाती है, और ये लगभग हो चुका है। मैं इसे जरा सा और स्टर करके ना निकाल लूंगी। ये मसाले थोड़े से रूम टेम्परेचर आ जाएंगे ना, इसके बाद इसको हमें पीसना है, और भी मसाले इसमें मिलाने हैं। आप छोले बन रहे हैं, आपको पता है छोले मसाला में भी, ऑथेंटिक छोले मसाला में भी 25 मसाले जाते हैं। तो छोले इज ऑल अबाउट मसाला, आप कौन से मसाले डालते हो, कितने मसाले डालते हो, किस टाइम पे डालते हो, उसी से छोले का जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। तो बस मैं ये जो गैस है ये बंद कर रही हूँ, ये भुन चुका है अच्छी तरह, और ये जो मसाले हैं ना, एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए और थोड़ा सा इसको फैला करके रखेंगे। हल्का ये ठंडा होएगा ना, तो इसका पाउडर करना है। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं ना, उन पे थोड़ी देर में काम करेंगे। मीनवाइल सेम पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा घी, ये 2 टेबलस्पून जैसा घी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे 2 बे लीव्स, और इसके बाद जो प्याज हमने तैयार करके रखी है वो यहाँ ऐड कर देंगे। ये जो प्याज है इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमको भूनना है, बिल्कुल जैसे बरिस्ता होता है उतना तो ब्राउन नहीं करना है, बट एकदम हल्का भी नहीं, थोड़ा अच्छा भूनना है। प्याज भूनते रहेंगे, ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, ये है आमचूर, तो थोड़ा आमचूर भी डालेंगे। देन थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, आप आपके स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। फिर जो मसाले हमने रोस्ट करे थे वो ठंडे हो गए हैं, वो भी मैंने यहीं ऐड कर दिया है, और इसको पीस करके एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, बस पीस लीजिए जैसा भी हो जाए, थोड़ा फाइन रखने की कोशिश कीजिएगा, और ये मसाला आपका हो गया रेडी, जो छोले के अंदर जाएगा। एंड मीन वाइल जो हमारे अनियंस थे, इन पे ध्यान दे रही हूँ मैं, ये थोड़े अभी भुन गए हैं, पूरे लाल तो नहीं हुए हैं, मिडवे है इस स्टेज पे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक का पेस्ट, सिर्फ गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जिंजर जुलियन के रूप में आगे डालेंगे। ये देखें प्याज अच्छी तरह लाल हो चुकी हैं, इस वक्त तक जो अपना गार्लिक है वो भी अच्छी तरह भुन चुका है, रॉ स्मेल जा चुकी है। तो अब ऐड कर दीजिए इसमें जो टमाटर हमने तैयार करके रखे थे। ये जो टमाटर है ना, ये आपको अच्छी तरह भूनने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हमने घी नहीं डाला है, तो ऐसा ऑयल ऊज आउट होने जैसा सीन तो नहीं होगा, बस ये रिड्यूस हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए, तब तक इसे भूने। पैरेलली ये 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने एक अलग तड़का पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको अच्छा गर्म हो जाने दीजिए, बाद में इसका काम पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये जो टमाटर हैं देखिए अच्छे खासे रिड्यूस हो गए हैं, लुक एट दिस, यानी कि अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें घी की मात्रा काफ़ी कम थी, तो इसलिए घी नहीं आपको दिखेगा साइड में। अब मेन प्रोसेस है इसका, मैंने गैस कर दिया है लो, और ये जो भुना मसाला तैयार करें इसका
एक यू नो लेयर जैसी बना दीजिए, एक प्रॉपर लेयर नीचे लगा दीजिए, और उसके बाद ये जो छोले हैं ये इसके ऊपर डाल दीजिए, मतलब सेकंड लेयर की तरह डाल दीजिए। पानी नहीं लिया है मैंने, छलनी में निकाल लिए थे छोले। ऊपर से ऐड करें 2 हरी मिर्चें इस तरह लंबी कटी हुई, एंड जिंजर जूलियन इस तरह पतला कटा हुआ जिंजर। थोड़े से छोले निकाल के अलग रख लीजिए, इसका काम आगे पड़ेगा। और जो हमने मसाला बनाया था ना, वो पूरा पूरा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और इसके बाद जो आपने तेल लिया है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, अच्छा खासा गर्म ये तेल है, ये इसके ऊपर पोर कर दीजिए। इससे जो मसाले वगैरह हैं ये सब थोड़े से भुन जाएंगे। 30 सेकंड का रेस्टिंग टाइम दें, और इसके बाद फिर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। गैस मैंने ऑन कर लिया है फुल फ्लेम पे, मैं इसे अभी टॉस एंड टर्न कर रही हूँ। अच्छी तरह से भूनना है एटलीस्ट 1 मिनट। आप तब तक सारी चीज़ें मिक्स करते रहिए, मिक्सिंग में ही भुनाई भी हो जाएगी, क्योंकि जो तेल है वो काफ़ी गर्म था, छोले भी गर्म ही थे, बाकी नीचे मसाला भी गर्म था, तो ये तुरंत ही भुनना भी शुरू हो जाएगा। मीनवाइल जो छोले हम लोगों ने निकाल के रखे थे वो वापस से सेम ब्लेंडिंग जार में डालें। ऐड कीजिए जो छोले का पानी था, थोड़ा सा वो वाला पानी, और इसको पीस लीजिए। ये एक अच्छी स्लरी जैसी बन जाएगी। ऑल्सो इस ब्लेंडिंग जार में जो भी मसाला था वो भी निकल आएगा। अब ये छोले अच्छी तरह से 2-3 मिनट हो गए इसे भुनते हुए, भुन चुके हैं अच्छी तरह। इसके ऊपर ये जो स्लरी जैसे आपने तैयार करी है वो ऐड कर दीजिए। इस स्लरी से ही इसका जो वो चिक्कड़नेस है ना, मतलब चिपचिपाहट और वो मडी कलर, वो आएगा, और इसी वजह से इसको चिक्कड़ छोले भी कहा जाता है। बहुत लोग स्लरी नहीं बनाते, सीधे छोलों को मैश देते हैं, आप वो भी कर सकते हो। लाइक पाव भाजी मैशर जो होता है आपका, पोटैटो मैशर, उससे मैश कर सकते हो। अच्छी तरह इसमें एक बॉईल जैसा आ जाए तो फिर ऊपर से आप बाकी छोले का पानी मिला दें। छोले का पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी मिला दें, और नमक वगैरह एडजस्ट कर लें। ढक्कन लगा के इसे 5-7 मिनट पकने दें, जब तक कि ये ऐसा दिखे। आप देख सकते हैं ऊपर एक कोरमा की लेयर जैसी आ गई है, और अच्छा खासा थिक हो गया है। मैं बस गैस बंद कर रही हूँ, इसको एक अच्छा सा स्टर देंगे। आपको अगर लगता है कि कंसिस्टेंसी आपके हिसाब की नहीं आई है तो इसे तब तक पकाएं जब तक आपको आपके हिसाब की कंसिस्टेंसी मिले। बाय द वे मैं बताना चाहूँगी, ये रनी नहीं होते, ये काफ़ी गाढ़े छोले बनते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ना, थोड़े चिपचिपे गाढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा रसा नहीं रहता। लुक एट दिस छोले, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार टेस्टी ये बनते हैं, आप एक बार ट्राई जरूर दीजिएगा। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से हरा धनिया एंड जिंजर जूलियन के साथ। आज संडे है, आप इसे बना सकते हो, या फिर आप किसी स्पेशल डे के लिए इस रेसिपी को सेव कर सकते हो। बस 2-3 घंटे गर्म पानी में छोले भीग जाते हैं, और उसके बाद सीटी लगा लीजिए 3-4-5-6 जो भी, कि छोले आपके एकदम ही सॉफ्ट बॉईल हो जाएं, और उसके बाद पका लीजिए इसको इस तरह से। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, दे टेस्ट अमेजिंग। तो इसके साथ मैं एक आलू कुलचा जैसा होता है ना, उस तरह का बना रही हूँ, बट कुलचा एज सच नहीं, रोटी स्टाइल में इसको बनाएंगे। आप देखिए रेसिपी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बाय द वे जो चिक्कड़ छोले होते हैं उसको बेसिकली भटूरे या नान के साथ खाया जाता है। आप चाहे तो भटूरे बनाइए, चाहे तो नान बनाइए, या लाइट रखना चाहते हैं तो आप रोटी चावल भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इनोवेटिव करना चाहते हैं तो जो मैं कर रही हूँ वो आप इसके साथ पेयर कीजिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, पर देन जब आप इसे खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला का पाउडर, आमचूर का पाउडर एंड नमक मैंने आलूओं के ऊपर डाल दिया है। आलू आपने देखा मैंने ग्रेट किए हैं। आलूओं को ग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर लंप ना रहे, बिल्कुल एकदम ही फाइन सा ये मिक्स तैयार होगा। सारे मसाले डाल दिए हैं, कटी हुई धनिया और मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसमें प्याज नहीं डलती है, आपको प्याज नहीं डालना है, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। आप मसाला और थोड़ा ऊपर नीचे आपके हिसाब से कर सकते हो, बट इसमें प्याज और कुछ भी मोटी चीज़ें नहीं डालनी है आपको, एकदम ही स्मूथ। आप देख सकते हो बिल्कुल ही ऐसा काजू कतली जैसा ये पेस्ट बन गया है, ऐसा ही पेस्टी बट फर्म हमको ये जो आलू की स्टफिंग है वो तैयार करनी है। इसके बाद ये सादा गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। थोड़ा नमक डाल के मैंने आटा लगा लिया था। इसमें से एक 2 बॉल निकाल लीजिए। जो कुलचे होते हैं वो मैदा से बनते हैं, और उसको बनाने का थोड़ा सा प्रक्रिया भी अलग है, बट चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो गेहूं का आटा है ना, उससे जैसे हम पराठा बनाते हैं आलू का पराठा, उस तरह से कर रही हूँ कोशिश। तो इसको आप बेल लीजिए थोड़ा साइड पे से पतला और बीच में से थिक, और इसके अंदर फिर जो हमारी जो स्टफिंग है ना, जो अभी आलू का स्टफिंग तैयार किया है वो भरेंगे, बट कम। आलू के पराठे में हम बहुत सारी स्टफिंग डालते हैं, जितना आटा लिया उससे भी ज़्यादा, बट इसमें आपको कम ही डालना है।
इसको जैसे लॉक करते हैं ऐसे लॉक कर दीजिए, और फिर इसके बाद अच्छी तरह से इसका बॉल बना के सूखा आटा लगा के आप इसे बेल लीजिए। जैसे जो कुलचे होते हैं ना, उसमें जो डो रहता है वो मैदा रहता है और वो तंदूर में सिकते हैं, आप उसे तवा पे भी उल्टा करके सेक सकते हो। बट ये हम बना रहे हैं रोटी, बट इससे मज़ा वो कुलचे वाला ही आता है, बनाने में एकदम ही कन्वीनियंट है, एकदम रोटी की तरह आप इसे बना सकते हो। गर्मा गर्म खाएंगे तो जैसे आप छोले कुलचे खा रहे हो वो ऐसा आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा हेल्दी भी ये हो जाएगा क्योंकि मैदा नहीं इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह इसको फैला लीजिए, क्योंकि हमने आलू कम लिए हैं और जो आलू है वो एकदम ही फाइन भी है ना, तो इसलिए आप इसे पतला और लंबा बेल पाएंगे आराम से। इसके बाद इसे आप तवे पे ही थोड़ा सा ज़्यादा सेकें, रोटी से ज़्यादा आपको इसे तवे के ऊपर ही सेक लेना, और उसके बाद वापस चिमटे से पकड़ के इसे फ्लेम के ऊपर आप सेक लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे दोनों तरफ से हौले हौले सेकें, सो दैट ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने। कुलचे का जो मज़ा होता है वो उसकी क्रिस्पीनेस में ही आता है ना, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा सेकें, हल्के हल्के सेकें, दोनों तरफ से बराबर सेकें, सो दैट ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ऊपर से घी लगाएं और इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से चूर चूर कर दीजिए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म छोलों के साथ, ट्राई ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा कुलचे स्टाइल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बना रही हूँ। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप इसे इतना ज़्यादा ना सेकें, एकदम ही सॉफ्ट बना सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्ट अच्छा लगता है तो आपको वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही, बट थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लगने वाला है। कुलचे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये हेल्दी तो है ही, टाइम भी कम लगता है, ट्रिकी भी कम है, और इसमें मज़ा भी सेम ही आता है। देखिए वो जो मैदा का और गेहूं का, मतलब गेहूं का आटा का जो टेस्ट होता है वो फ़र्क तो रहेगा ही, बाकी जो क्रिस्पीनेस है, आलू की स्टफिंग वाला मज़ा है वो फुल आपको इसमें मिलेगा। तो ये छोले, चिक्कड़ छोले, एंड देन ये रोटी स्टाइल आलू के कुलचे, या आप आलू की रोटी से कह सकते हो, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी जब आप ट्राई करेंगे, मेरे साथ शेयर करना आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक really good care of yourself, take care, bye bye and enjoy your Sunday.